महाराष्ट्र का सियासी स्टेज सज गया है। महायुति के बाद महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग हो गई है, लेकिन अभी भी 33 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जबकि महायुति 63% सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है। महायुति की गाड़ी अघाड़ी से काफी आगे निकल चुकी है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अघाड़ी ने सीट शेयरिंग की घोषणा में देरी कर दी? क्या अघाड़ी पहले राउंड में महायुति से पिछड़ गई है? इस रिपोर्ट में जानिए। महाविकास अघाड़ी का फॉर्मूला तय, लेकिन 33 सीटों पर फंसा पेच। अघाड़ी में राहुल, उद्धव, शरद सबको बराबर मिला। महायुति की गाड़ी अघाड़ी से आगे कैसे निकली? महाविकास अघाड़ी की गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। आखिर कई दिनों की मशक्कत के बाद सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया। 288 में से 255 सीटों पर सहमति बन गई है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार को बराबर बराबर यानी 85-85 सीटें मिली हैं। बाकी बची 33 में से 18 सीटें दूसरे सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। बची हुई 15 सीटों पर कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के ऐलान से ही उद्धव सेना ने 65 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी। हालांकि कुछ देर बाद राउत ने कहा कि हमने जो लिस्ट आज पब्लिश की है उसमें कुछ करेक्शन है, गुरुवार को अपडेट लिस्ट जारी करेंगे। शिवसेना के मुख्यालय से जारी लिस्ट में कुछ संशोधन है, कुछ संशोधन किए जाएंगे। ऐसा लगता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चूक हो गई है। ये कैसे हो सकती है? हमारे अनिल देसाई जी इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखते हैं। कल हम फिर से बैठेंगे और उस लिस्ट पर नए सिरे से चर्चा होगी। MVA में सीट शेयरिंग की शुरुआत तब हो गई थी जब महायुति में इसकी चर्चा भी नहीं थी। लेकिन बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी में 288 में से 288 सीटों पर क्लियर गठबंधन हो गया है। महायुति में 182 सीटों पर नामों का ऐलान भी हो गया है। शुरुआत बीजेपी की लिस्ट से हुई, फिर शिंदे और अब अजीत पवार की लिस्ट भी आ चुकी है। बीजेपी ने 99 कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। शिंदे की शिवसेना 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। एनसीपी ने भी 38 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। महाविकास अघाड़ी में जहां एक तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को बीजेपी के 24 प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले तक उद्धव की सेना के लिए भी सब ठीक था और कांग्रेस के लिए भी। शरद पवार वाली एनसीपी हर तरह से दोनों पार्टियों के साथ खड़ी थी, लेकिन लोकसभा के रिजल्ट ने सारे इक्वेशन बदल दिए। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे, अगर फॉर्मूला लोकसभा वाला रहता तो उद्धव की सेना को 126 सीटें मिलती, जबकि कांग्रेस को 102 और शरद पवार वाली एनसीपी को 60 सीटें ही मिल पाती। लेकिन जब लोकसभा के रिजल्ट आए तो महाविकास अघाड़ी कुल 288 विधानसभा सीटों में से 153 सीटों पर आगे रही। इनमें सबसे ज्यादा 63 सीटों पर कांग्रेस, जबकि 57 सीटों पर उद्धव की सेना और 33 पर शरद पवार वाली एनसीपी रही, जबकि उद्धव वाली शिवसेना ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 5 साल पहले जब MVA बना था तो उद्धव ठाकरे बड़े भाई के रोल में थे, लेकिन 5 साल के भीतर सारा सियासी गणित बदल गया। कांग्रेस अब बड़े भाई की भूमिका में है तो उद्धव की सेना छटपटाने लगी। सीट शेयरिंग का सारा पेच भी इसी वजह से फंसा है। महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। महाविकास अघाड़ी की जो लिस्ट है वो इसलिए डेट हो गई कि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, हम सत्ता पर कब्जा करने जा रहे हैं। बाकी लोग तो अपोजिशन में बैठने वाले हैं खिचड़ी पकाकर। हम सत्ता में बैठेंगे तो हमें बहुत सोच समझकर हमारा उम्मीदवारों का और चुनाव क्षेत्र का चयन करना पड़ रहा है। और हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। देश हमेशा ये चाहता है कि शिवसेना सेंचुरी पार करे, सेंचुरी लगाए, और हमारे में सेंचुरी लगाने का दम है, अब लगाएंगे।
मुंबई में क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जाता है और देखा जाता है और सेंचुरी को बहुत महत्व है। हरियाणा के रिजल्ट के बाद उद्धव की सेना मानकर बैठी थी कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर ऑल इज वेल वाले बयान आने लगे। सामना से लेकर शिवसेना के दूसरे नेता कांग्रेस को हरियाणा की याद दिलाने लगे, लेकिन नाना पटोले ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सिर्फ लोकसभा के रिजल्ट को आधार बनाया। तब नेगोशिएशन की किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं आए और आखिरी फॉर्मूला ये निकल कर सामने आया। उद्धव ठाकरे की सेना तब भी 100 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ी जब वो बीजेपी के साथ थी। 2019 में शिवसेना 126 सीटों पर लड़ी, वो भी पिछले 30 साल में सबसे कम था। उद्धव ठाकरे ने अपना जो प्रतिष्ठा थी, जो मातोश्री की प्रतिष्ठा थी, उद्धव ठाकरे जिनकी जो शिवसेना की प्रतिष्ठा थी, उनने सारी खत्म कर दी। कांग्रेस पार्टी को बड़ा बना दिया और हमारे उनकी पार्टी छोटी कर दी। हमारे साथ जब उद्धव ठाकरे थे तब एक अलायंस था जो नेचुरल था, वोट भी नेचुरल थे, जनता भी नेचुरल अलायंस को मानती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ गए हो। जिस प्रकार से मातोश्री और बाला साहेब ठाकरे जी का जो ये महाराष्ट्र में एक नेचुरल अलायंस करके हम चल रहे थे, उन्होंने सारा विषय को छोड़कर कांग्रेस के साथ गए, इसलिए बहुत दुख की बात है। दूसरी तरफ टीम मोदी खुलकर मैदान में आ चुकी है। महायुति अपनी पहले लिस्ट में हर एक्शन को साध रही है। लोकसभा चुनाव में जिन गढ़ों में नुकसान हुआ उसे ठीक कर रही है। महाराष्ट्र में कुल 6 रीजन है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें से 4 में बढ़त मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक रीजन को छोड़कर सब में बीजेपी पिछड़ गई। 2019 में विदर्भ में बीजेपी ने 29 विधानसभा सीटें जीती, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 15 सीटों पर ही बढ़त बना पाई। मराठवाड़ा में बीजेपी 2019 में 16 सीटें जीती थी, जबकि 2024 में 8 सीटों पर ही बढ़त बना पाई। 2019 में बीजेपी मुंबई रीजन 16 सीटें जीती, लेकिन 2014 में 9 सीटों पर ही बढ़त बना पाई। नॉर्थ महाराष्ट्र में बीजेपी 2019 में 13 सीटें जीती थी, 2024 में सिर्फ यहां पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और 20 सीटों पर बढ़त बनाई। बीजेपी ने 2019 में पश्चिम महाराष्ट्र में 20 सीटें जीती थी, 2024 में 17 सीटों पर ही बढ़त बना पाई। 2019 में कोंकण रीजन में बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर ही बढ़त बना सकी। बीजेपी लोकसभा में हुई गलतियों को सुधार रही है। नॉर्थ महाराष्ट्र बीजेपी का गढ़ रहा है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत बनाने का काम नॉर्थ महाराष्ट्र के लोगों ने किया है। नॉर्थ महाराष्ट्र में आरएसएस का मजबूत नेटवर्क है। नासिक, जलगांव, धुले और नंदुरबार वाले इस इलाके में लोकसभा की 6 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 और एनसीपी शरद को 1 और शिवसेना यूबीटी को 1 सीट मिली थी, लेकिन 5 साल पहले 2019 में बीजेपी ने लोकसभा में क्लीन स्वीप किया था और 5 सीटें जीती थी, जबकि 1 सीट उस वक्त उसकी सहयोगी यूनाइटेड शिवसेना को मिली थी। महायुति ने लोकसभा के खराब प्रदर्शन के बाद ओनियन बेल्ट में कई बड़े कदम उठाए हैं। देश के प्याज उत्पादन का 30% नॉर्थ महाराष्ट्र में होता है। केंद्र सरकार ने 13 सितंबर को प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया। इसका उद्देश्य किसानों के गुस्से को शांत करना और उनकी आय को बढ़ाने के मकसद से लिया गया। लोकसभा में इस मुद्दे ने प्याज किसानों को बीजेपी से दूर कर दिया था। इसके अलावा महायुति सरकार के किसानों को मुफ्त बिजली के ऐलान से भी किसानों की नाराजगी कुछ हद तक दूर हुई है। कॉन्फिडेंट तो 100% से ज्यादा है। कल्याणकारी योजना एक तरफ है, डेवलपमेंट एक तरफ है और महाविकास आघाड़ी का 2.5 साल का काम। हम चाहते हैं हम जनता के दरबार में जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। MVA में जो लोग है वो लोग स्वार्थ के लिए सरकार बनाए हुए थे, निजी स्वार्थ के लिए, जनता के लिए नहीं, तो उनका आपस में ही मेलजोल नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो आपस में लड़ झगड़ेंगे और गिर पड़ेंगे, और इसलिए सरकार जो है आम जनता की फिर से आएगी कामाख्या देवी के आशीर्वाद से।
शिंदे के नेतृत्व में महायुति माइक्रो लेवल पर कास्ट मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। शिंदे सरकार ने राज्य अनुसूचित आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है। इस अध्यादेश को महाराष्ट्र विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। मतलब सीधा राज्य अनुसूचित आयोग बनेगा तो दलित की बात को और वजन मिलेगा। दलित वोट को लेकर महायुति क्यों बहुत फोकस्ड है? दरअसल लोकसभा चुनाव में दलित वोट एक तरफा महाविकास अघाड़ी से जुड़ गया था। MMD मराठा मुसलमान दलित फैक्टर की वजह से ही विकास अघाड़ी 30 सीट जीतने में कामयाब हो पाई थी। बीजेपी अघाड़ी गठबंधन को बिना विचार वाला गठबंधन बता रही है, सिर्फ मोदी विरोध के लिए साथ आने की बात कह रही है। महायुति की यह कोशिश महाविकास अघाड़ी के MMD फॉर्मूले को तोड़ने और अपने साथ दलितों को जोड़ने की है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए दलित के अलावा OBC को भी इकट्ठा करना बड़ी चुनौती है।